together and welcome Janhvi with us. A very warm welcome to Delhi, Janhvi. Thank you so much. I feel odd sitting when you're standing. So. Oh, it's all right. All right. So, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? First and foremost. बहुत अच्छा लग रहा है. अभी मैं गुलाटी से लंच खाकर आई हूँ, तो दिल खुश लग रहा है. थोड़ी सी नींद आ रही है गुलाटी कबाब खाने के बाद, लेकिन मूड अच्छा है. मूड अच्छा है क्योंकि दिल्ली में आके इतना टेस्टी खाना खाने को मिलता है कि मूड अपने आप अच्छा हो जाता है. सो गुलाटी कबाब आपने कहा वो आपके फेवरेट है जी दिल्ली में? जी, और ककोरी कबाब. और मैंने एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम अल कौसर से भी ककोरी कबाब खाया, तो बहुत पसंद आया. ऑल राइट, सो जानवी इज रियली फॉन्ड ऑफ कबाब्स, हां, एंड वी आर रियली फॉन्ड ऑफ यू जानवी. Look at you, she is looking so beautiful and gorgeous, and we've just seen the trailer. It looks so promising, and especially when we see the last scene, it gives us goosebumps. तो मतलब कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये शूट करना या फिर कितना चैलेंजिंग था? That's the one thing that I want to ask you about this. काफी मुश्किल था, काफी चैलेंजिंग था, especially फ्रीजर में जो भी पोर्शंस हमने शूट किया था. उन्होंने एक्चुअल में मेरे लिए एक फ्रीजर बनाया था, एक कोल्ड स्टोरेज रूम, जो कि हर वक्त -15 degrees या -18 degrees पे रहता था. तो वो सीक्वेंसेस शूट करना काफी मुश्किल था. और वो जो चूहा आपने देखा ट्रेलर में, वो एक कोई सीजी चूहा नहीं है, वो एक एक्चुअल चूहा उन्होंने लाके हमारे शूट पे रखा था. ओह, दैट वाज अ रियल चूहा. सो आपको डर नहीं लगा उससे? काफी डर लगा, और वो चूहे ने मुझे काफी ऐसे थोड़ा थोड़ा निबल भी किया उंगली पे. लकी था काफी चूहा, लकी था. मैं चाहती हूँ कि अब हम मीडिया के लिए फ्लोर ओपन करते, बिकॉज दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम यू. सो लेट्स हैव द चेयर नाउ, यू कैन बी वेल रेस्टेड, वेल सीटेड, एंड द मीडिया कैन आस्क द क्वेश्चंस नाउ. Are you all ready with your questions? आपको हाथ उठाना. हेलो मैम. ग्रेट. आपको हाथ उठाओ, माइक आपके पास पहुंच जाएगा. ठीक है? जानवी, मेरा नाम गौरव है, मैं न्यूज रूम पहुंचती हूँ. और बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप ट्रेलर की तरह. थैंक यू. आप बहुत अच्छी अदाकारा भी हैं. जो फ्रीजर बारे में आप चली गई, आपको नहीं लग रहा है आपके फैंस को थोड़ा सा कष्ट पहुंच रहा होगा आपको इस तरह से देखकर? दूसरा मेरा एक गंभीर विषय पर आपसे सवाल है कि रीमेक जो है आजकल थोड़ा सा वर्क नहीं कर रही है, और आपने भी एक जगह कहा कि आप टायर्ड हैं रीमेक करके. फिर आपने और बोनी कपूर साहब ने ऐसी इसमें क्या वजह देखी? ऐसी खास वजह जरूर कोई ना कोई खास वजह होगी, तभी आप दोनों लोगों ने इस फिल्म को तय किया. तो ऐसी क्या खास वजह थी जो आपने इस फिल्म को चुना? पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी. और आई थिंक ये फिल्म का पॉइंट ये है कि हम एक नया एक्सपीरियंस ला रहे हैं हमारे ऑडियंसेस के लिए. एक सर्वाइवल थ्रिलर है, और अक्सर सर्वाइवल थ्रिलर्स में ये फिल्मों का पॉइंट ये है कि आपको ऐसे लगे कि आप वो किरदार के साथ हो उस कठिन सिचुएशन में या दुविधा में, या जो हादसा हुआ है मिली के साथ, आप उनके साथ वो वहाँ कोल्ड स्टोरेज में मौजूद हो. तो अगर आपको ट्रेलर देख के वैसे लगा, तो आई एम होपफुल कि फिल्म देख के भी वैसे लगेगा. और हमारी कोशिश भी वही रही है कि बड़े पर्दे पे हम एक नया एक्सपीरियंस लाएं, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. और दूसरी बात रही रीमेक की, मैंने ये पहले भी कहा है, आई थिंक रीमेक्स, जब रीमेक बनाने की नीयत साफ रहती है, तो फिल्म भी उसी ईमानदारी के साथ अगर बनाई जाती है तो ऑडियंसेस को पसंद आती है. देखिए, मैंने आज तक मिली के अलावा दूसरे रीमेक्स किए थे, और अगर फिल्म मेकर का मुद्दा या एजेंडा ये है कि ये कहानी अच्छी कहानी है, ये मैं और लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो एक नेक इरादे के साथ वो फिल्म बना रहे हैं, और आई थिंक उस हिसाब से वो फिल्म चलेगी अगर आप ईमानदारी से वो फिल्म को बनाओ. लेकिन अगर आपका इरादा ये है कि अच्छा ये फिल्म यहाँ साउथ में चली या यहाँ चली और अच्छा प्रोजेक्ट है और हिंदी में बना के और पैसे कमाऊंगा, तो आई थिंक वो शुरुआत से आपकी नीयत गलत है. और मैं जानती हूँ कि हमने जो कोशिश की है मिली के साथ, हमारे निर्देशक मलयालम फिल्म के सेम निर्देशक है, और ही वॉन्टेड टू टेल दिस स्टोरी टू अ लार्जर ऑडियंस. उन्होंने अपनी पहली फिल्म बहुत कम बजट में बनाई थी, और हमने ये डिसीजन लिया ये फिल्म को रीमेक करने के लिए, क्योंकि
हमें लगा कि ये बहुत ही प्यारी कहानी है, रीमेक है लेकिन फिर भी एक नई कहानी है, और काफ़ी नॉर्थ स्पीकिंग ऑडियंसेस ने ये फिल्म नहीं देखी थी, तो हम उनके लिए ये एक्सपीरियंस लाना चाहते थे और हमारे अलग अंदाज में, हालांकि फिल्म और स्क्रीन प्ले मैं झूठ नहीं बोलूँगी सेम है, लेकिन हिंदी बेल्ट के लिए अडाप्ट किया है हमने, क्योंकि हम ये कहानियों तक पहुँचाना चाहते हैं, उनको दिल से ही अनुभव देना चाहते हैं। हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाने की कोशिश की है, हमने उसी प्यार लगन और मेहनत और ईमानदारी से ये फिल्म बनाई है जो कि लोग ओरिजिनल फिल्म बनाते हैं। हाय जानवी, आई एम कनक फ्रॉम एनबीसी हिंदी न्यूज़। आपसे जानना चाहूँगी, इस फिल्म में एक फादर और डॉटर का जो है बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो रियल लाइफ में आपका और आपके फादर का बॉन्ड कैसा है? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो एक्चुअली पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसे लगने लगा है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह हो गए हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ इतना कुछ शेयर करते हैं, और जब से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया मुझे ऐसे लगता है कि हम एक टीम हैं, एंड ही हैज़ माई बैक एंड आई हैव हिज बैक, और हम साथ में कुछ भी कर सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। हाय जानवी, दिस इज सिमी धवन ओवर हियर। हाय, आई गिव यू पॉपकॉर्न। या ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच जानवी। माय क्वेश्चन इज दैट दिस इज द होम प्रोडक्शन, so how difficult or easy is it for an actor while working in the home production to balance that professional and personal life? Definitely there is a responsibility on your shoulder as well. Can I be honest, ma'am? I think that because I've always my whole life been aware of the hardships that a producer can face, yeah, if an actor is not cooperative, to put up one day of shoot, the kind of effort and money it takes. So I've been always my whole life very aware of it, and I know how much trouble my father has faced every time an actor has made his life a little difficult. So I, from the start of my career, promised myself that I wouldn't be such an actor. And as a result, I think I've been maybe overly diplomatic and polite on other film sets. The only difference on Millie was that because he was my father and because I didn't have the fear of, hey, kahi ye mujhe arrogant na samjhe, ye producer mere baare mein kya sochega. I mean, I didn't have to think that because he's my father, he knows me better than anyone. I felt like I could tell him exactly what I thought when I thought, which was a good feeling. Hello, hi ma'am, Akash this side. Hi. Hi, my name is Akash. I'm from filmikila.com. So my question to you is that for this survival thing, did you take any kind of survival training or any such thing? Because it's not possible for a human being to survive at -18 degrees Celsius for a longer period of time. So did you take any survival training and stuff like that? No training actually, because my director said that Millie jo kirdar maine bhar liya usse to koi training nahi mili thi jab wo is cold storage mein phas gayi thi, and he wanted to keep it as real as possible. So he didn't even let me enter the cold storage before I got stuck or before I had to shoot those segments. लेकिन जब मैं अंदर पहुंची, जो फटी में क्योंकि इतनी ठंड थी वो स्टोरेज रूम के अंदर, और सबसे बड़ा मसला ये था कि हमने समर में शूट किया था ये, तो जब स्टोरेज से बाहर आप निकलोगे, सो इट वाज 37 डिग्रीज आउटसाइड, तो वो अंदर बाहर में इंसान और बीमार पड़ जाता था। सो आई एक्चुअली हैड टू ट्राई स्टेइंग इनसाइड एज मच एज पॉसिबल। ऑफकोर्स टेक के बीच में मुझे एक जैकेट पहना देते थे, लेकिन हमारे टेक्स ही 15-15 मिनट तक चलते रहते थे, तो जो कुल्फी जम जाती थी ना मेरी। लेकिन हाँ, जब रैट आया था फ्रीजर के अंदर, तभी हम सब ने रैट का बहुत ध्यान रखा। रैट एक्चुअली सेट का स्टार बन गया था। द रैट कांट स्टे इनसाइड फॉर मोर देन 2 मिनट्स, द रैट नीड्स अ ब्रेक, द रैट नीड्स रेस्ट। आई वाज लाइक, मेरा क्या, मेरे लिए कोई रेस्ट नहीं। बढ़िया, थैंक यू। हाय जानवी। हाय, आशु फ्रॉम फिल्मी बीट। So, congratulations, the trailer looked really intriguing. I'm looking forward to the film. So the film is about survival, like you all saw. Real life mein, we know Janvi is a real strong girl. So, aisi situation jab aati hai, of course not aisi, matlab koi bhi difficult situation, how do you, what's your escape plan? I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to
give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho ye daur ko bhi guzarna hi hai aur jab ye daur guzrega aap aur bhi aap you'll emerge out of it stronger aap aur bhi usse ubhar ke nikloge and that's what's happened I think all of us are testament to that hum ye jo covid ke daur se guzre hain aur abhi bhi guzar rahe hain इस चीज ने हमारी जिंदगी बदल दी है बट वी सर्वाइव्ड एंड वी आर सर्वाइविंग एंड आई थिंक दैट नाउ इज द टाइम वेयर वी रियलाइज्ड हाउ एवरी ह्यूमन हैज अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट साउथ का क्रेज जो है बहुत ज्यादा है और हम आपकी जो फिल्में देखते हैं चाहे गुडबाय जेरी और मिली का ट्रेलर देख के लगा है मतलब कि आपको किसी आई थिंक को एक्टर की जरूरत नहीं आप अपने कंधों पे फिल्मों को आगे बढ़ा रही हैं जैसा कि हम देखते हैं लेकिन जानवी तभी साउथ में फिल्मों से ऑफर आए तो जानवी किस तरीके से उसमें रिएक्ट करेंगी हाँ बोलेंगी या ना और साउथ का कोई ऐसा एक आपका एक्टर फेमस मतलब जो आपको काफ़ी पसंद हो और आप उनके साथ कोई काम करना चाहें कुछ मैं डेफिनेटली आई थिंक मैं सालों से बोलती आई हूँ कि मुझे साउथ फिल्म करनी है मैं बढ़ी हुई हूँ साउथ फिल्म्स देख देख के और उनके गानों से मुझे जिस तरह से वो एक्ट करते हैं जिस तरह से वो अपने एक्टर्स को दर्शाते हैं जिस तरह से वो ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं आई थिंक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ साउथ सिनेमा शायद इसलिए मैंने इतने सारे रीमेक्स किए हैं लेकिन आई होप आई गेट द चांस टू डू इट मैं तो कूद पड़ूंगी आई थिंक वन एक्टर आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद इज जूनियर एनटीआर सर और श्रीदेवी मैम ने भी साउथ की फिल्मों में बहुत काम किया है तो उनका कोई ऐसा अगर रीमेक मिला आपको तो ऑफर आई थिंक आई थिंक किसी को उनकी कोई भी फिल्म को रीमेक नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी उनकी तरह काम नहीं कर पाएंगे हाय जानवी हियर इन फ्रंट आपके सामने सो जानवी के पीछे छुप गए जानवी जब ये आपको मिला स्क्रिप्ट आपको जब मिली ही स्क्रिप्ट आपको सुनाई गई तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि एक चैलेंजिंग रोल आप प्ले कर रही हैं ऐसा आपने इससे पहले कभी नहीं किया सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन दिस रोल यू हर्ड अबाउट दिस रोल सो ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ऐसा रोल जैसे कि आपने कहा किसी ने प्ले नहीं किया था और आई थिंक बहुत लोगों ने मुझसे कहा था जैसे कि जेरी साइन करने के वक्त कहा था कि बहुत बड़ा रिस्क है एक और फिल्म सिर्फ तुम्हारे कंधों पे और एक और परफॉर्मेंस फिल्म इसमें नाच गाना तो है नहीं कॉमेडी तो इतना है नहीं तो क्यों ये रिस्क ले रही हो लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर मुझे लगा कि ये एक मौका है जहाँ मैं अपने आप को कैमरे के सामने पूरी आज़ादी से दर्शा सकती हूँ और इतना कुछ सीखने को मिलेगा और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और ओरिजिनल फिल्म देखी मुझे डर लगा और जब भी मुझे ऐसे डर लगता है मुझे लगता है कि ये अच्छा साइन है क्योंकि अगर मैं ये कर पाऊंगी तो मैं और भी बहुत कुछ सीख पाऊंगी मेरे कला के बारे में तो आई थिंक वो सेल्फिशनेस की वजह से मैंने ये फिल्म की एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा काम पसंद है तुम भी राही हेलो जानवी सामिया हियर सो मेरा सवाल ये है कि 4 नवंबर को XXL और फोन बूथ भी रिलीज हो रही है तो आप क्या कहना चाहोगी आपकी मूवी उनके साथ पेश कर रही है आई थिंक बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इतने वक्त तक कोई भी फिल्म थिएटर्स पे नहीं आ रही थी ऑडियंसेस को कोई भी चॉइस नहीं था इस वीकेंड अचानक 3-3 फिल्मों का चॉइस है एंड आई थिंक 3-3 हर XXL फोन बूथ और मिली एक दूसरे से इतने अलग हैं सो आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर फिल्म एंड ऑडियंसेज आई होप कि ऑडियंसेज को मेरी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आए ऑब्वियसली लेकिन ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग दोनों फिल्म तीनों फिल्म बहुत एक्साइटिंग लग रही हैं और आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि हमारे फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं और ऑडियंसेस को मौका मिल रहा है थिएटर्स में वापस आने का नीचे मैंने देखा था डाइंग टू सर्वाइवल लिखा हुआ है आपका टैगलाइन जो है और ये बहुत चैलेंजिंग होता है जब आप एक ऐसा किरदार निभाते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूसली एक्सप्रेशंस लाने होते हैं और एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन चीज होता है और कितना मुश्किल था उस इमोशंस को लाना बिकॉज थोड़ी थोड़ी देर में आंसू आने थे और बहुत कठिन होता है रोना मुझे लगता है और सब उससे ज़्यादा कठिन होता है हंसाना जी
तो एक्शन से ज्यादा रिएक्शन कैसा रहा इस फिल्म के अंदर आपका? सर, उन्होंने मेरे लिए कोल्ड स्टोरेज बना दिया था, तो मुझे कुछ इमेजिन नहीं करना था कि मुझे ठंड लग रही है. मुझे एक्चुअल में बहुत सफोकेशन और ठंड लग रही थी, और हमें ये फिल्म 9 दिन में, ये कोल्ड स्टोरेज का पोर्शन 9 दिन में शूट करना था. हमें 20 दिन लग गए और हम सब बहुत बीमार पड़ गए थे. तो हर रोज शूट के वक्त मुझे एक्चुअल में ऐसे लगता था कि मैं फंस गई और मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलने वाली हूँ और मैं बहुत पेन में हूँ. तो आई डोंट थिंक आप इसे एक्टिंग बुला भी सकते हैं, क्योंकि ये सब हकीकत में था. और आपने जो कहा वो सही कहा, मेरे लिए रोना बहुत आसान होता है कैमरे पे और सीन्स पे. तो मुझे अभी बोल दो, मैं अभी रो दूंगी. हंसाना मुश्किल है, इसलिए मैं बहुत दिनों से ये कह रही हूँ कि मुझे कॉमेडी करना है, मुझे कॉमेडी एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आई थिंक असली एक्टर का थप्पा तभी लगता है जब आप लोगों को हंसा पाओ. चलो फोटोशूट कर लेते हैं. कॉमेडी के बाद आते हैं.